आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल पार्क में आप किन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे कौन से ब्लॉक हैं जो आज की डेट में आपको अंडर ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं, जहां आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इन तमाम तरह को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उमेर अब्दुल्ला। व्यूअर्स, आज मैं आपको गाइड करूंगा कि सेंट्रल पार्क में आप किन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं जो आपको आज की डेट में अंडर ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं, किन ब्लॉक्स में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप किन ब्लॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन तमाम तरह को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्दर मैं आपको सेंट्रल पार्क के वाले से गाइड करना चाहूँगा। तो सेंट्रल पार्क मेन फ्रोज रोड पर वाक़ है, अर्बन डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 3 मेन एंट्रेंस देखने को मिलती हैं, गेट नंबर 1, 2 एंड 3, जिसको आप गजुमदा रिंग रोड से जस्ट 10 मिनट्स के ड्राइव में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ आपको ए ब्लॉक, डबल ए वन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से ऑनवर्ड्स आपको जे ब्लॉक तक यहाँ ब्लॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि कटिंग की बात करें तो यहाँ आपको डिफरेंट कैटेगरीज में कटिंग मिलती है, 3.5 मंडला, 5 मंडला, 10 मंडला, 1 कनाल और 2 कनाल तक की आपको यहाँ कटिंग देखने को मिलती है। फर्दर हम बात करेंगे कि सेंट्रल पार्क में ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं जहाँ आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंस्टॉल प्लान को कंटिन्यू करते हुए। तो व्यूअर्स, ऐसे ब्लॉक्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो है A1 एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और J ब्लॉक। सबसे पहले अगर हम A1 एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की बात करें तो यहाँ आपको जो इंस्टॉल प्लान पर प्रॉपर्टी मिलती है, 5 मंडला जो प्राइस रेंज मिलती है वो आपको 54,90,000 रुपीज़ देखने को मिलती है, जबकि 10 मंडला आपको जो टोटल प्राइस मिलती है वो तकरीबन 94,90,000 रुपीज़ देखने को मिलती है। इस प्रॉपर्टी में आपको 5 लाख तक ऑन देखने को मिलता है। इनिशियल स्टेज में जो आपको प्राइसेज ऑफर की गई वो तकरीबन 5 मंडला प्राइस रेंज की बात करें तो वो टोटल आपको जो मिलती है वो 49,90,000 रुपीज़ मिलती है, जबकि 10 मंडला आपको 89,90,000 रुपीज़ देखने को मिलती है। इस प्रॉपर्टी में आपको 5 लाख तक ऑन देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल अगर आप ओल्ड प्राइसेस में रहते हुए प्लॉट्स की परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो आप सीडीबी प्रॉपर्टीज से कॉन्टैक्ट करके आप स्टिल ओल्ड प्राइसेस में रहते हुए प्लॉट्स की परचेजिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ अगर आप 5 मंडला कैश प्राइस पे प्लॉट बाय करते हैं तो आज के रेट में आपको जो प्लॉट मिलता है वो तकरीबन 32 लाख से ऑनवर्ड 38 लाख के इन बिटवीन यहाँ आपको 5 मंडला प्राइस मिलती है, जबकि 10 मंडला जो आप प्लॉट लेते हैं तो आपको वो तकरीबन 60 लाख से ऑनवर्ड 70 लाख के इन बिटवीन यहाँ आपको प्राइसेस मिलती हैं, जो आपके नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये ट्रांसफर फाइल्स होंगी जो आपको मिलेंगी। व्यूअर्स, ये A1 एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो कि आने वाले वक्त में सेंट्रल पार्क का कामयाब तरीन ब्लॉक होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत एक कंस्ट्रक्शन लेवल देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। यहाँ को अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ ये जो ब्लॉक है ये आने वाले वक्त में A1 एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ये रिंग रोड से डायरेक्ट अप्रोच करेगा, यानी रिंग रोड से आपको बहुत ही करीब तक इसकी अप्रोच मिलने वाली है A1 एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की। फर्दर जे ब्लॉक की बात करें तो जे ब्लॉक में आपको 3.5 मरला, 5 मरला और सम हो आपको कुछ 10 मरला प्लॉट्स मिलते हैं। 3.5 मरला जो आप प्लॉट्स बाय करते हैं इंस्टॉल प्लान को कंटिन्यू करते हुए तो आपको जो टोटल प्राइस मिलती है वो तकरीबन 34,90,000 रुपीज़ मिलती है। इनिशियल स्टेज में आपको जो प्राइसेस दी गई वो तकरीबन 30,90,000 रुपीज़ दी गई, लेकिन अब आपको इस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ ऑन देखने को मिलता है। लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ कैश पेमेंट पे प्लॉट्स बाय करना चाह रहे हैं जो आपको वहाँ टोटल प्राइस जो 3.5 मरला के मिलती है तो 20 लाख से 22 लाख के इन बिटवीन मिलती है। व्यूअर्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंस्टॉल प्लान को नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे तो अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ आपकी होल्डिंग पावर है तो आप 20 लाख से 22 लाख के बजट में रहते हुए जे ब्लॉक में प्लॉट परचेज कर सकते हैं 3.5 मरला का। व्यूअर्स, यहाँ अगर आप 5 मरला प्लॉट परचेज करते हैं इंस्टॉल प्लान को कंटिन्यू करते हुए तो आपको जो उसकी टोटल प्राइस मिलती है वो 44,50,000 रुपीज़ मिलती है, जबकि अगर आप कैश प्राइस में यहाँ प्लॉट परचेज करते हैं तो उसकी जो आपको प्राइस मिलती है वो 30 लाख से ओनवर 35 लाख के इन बिटवीन मिलती है। अगर आप यहाँ कैश प्राइस पर 5 मरला प्लॉट परचेज करते हैं, अगर आपकी होल्डिंग पावर है तो आप यहाँ होल्ड करके 2 to 3 ईयर्स के बाद आपको यहाँ पोजेशन दिया जाएगा तो उसके आपको अपनी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, बात करेंगे अब एच ब्लॉक की। एच ब्लॉक जो कि रीजनेबल प्राइसेस में है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है रीजनेबल प्राइसेस में रहते हुए, ऐसे कौन से ब्लॉक हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एच ब्लॉक यहां आपको मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करूँगा, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ जो डेवलपमेंट का काम है वो फास्ट ट्रैक पर हो रहा है। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में आपको यहाँ पोजेशन दे दिया जाएगा, या पोजेशन आने के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
क्योंकि व्यूअर्स जब भी आपको नॉन पोजेशन प्लॉट्स आप परचेज करते हैं तो आपको रीजनेबल प्राइसेस में मिलते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पोजेशन ले लेते हैं तो पोजेशन लेने के बाद आप उस प्लॉट को सेल आउट करते हैं तो आपको जो प्राइसेस हैं वो मैक्सिमम देखने को मिलती हैं। इस ब्लॉक यहाँ आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पर प्रॉपर्टी तो नहीं मिलती, लेकिन अगर आप यहाँ कैश पेमेंट पर प्लॉट परचेज करते हैं तो जो उसकी प्राइस जो आपको मिलती है वो तकरीबन 32 लाख से 35 लाख की इन बिटवीन आपको यहाँ प्राइसेस मिलती हैं, जबकि 10 मरला जो आपको प्राइस देनी मिलती है वो 55 लाख से 60 लाख के इन बिटवीन मिलती है। ये नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं जहाँ आप शॉर्ट टाइम में रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 to 6 मंथ्स अगर आप इन्वेस्टमेंट आपकी होल्डिंग पावर है 5 to 6 मंथ तक की, तो आप इनको होल्ड करके आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको प्राइसेस लोएस्ट से मैं आपको हाई बजट तक लेके जाना चाह रहा हूँ कि आप लोएस्ट प्राइसेस से आपको थोड़ा सा हाई बजट करते हुए आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। डबल बी ब्लॉक सेंट्रल पार्क का डबल बी ब्लॉक, जो कि आपको बी ब्लॉक के कमर्शियल ले जाए, उसके बाद आपको जो दो किनाल कटिंग है उसकी जो बैक साइड में आपको जो कटिंग मिल रही है, एक न्यू कटिंग आपको लॉन्च करके दी गई, वो डबल बी ब्लॉक का एरिया है जहाँ आपको 4 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। 4 मरला जो आपको इनिशियल स्टेज में 44 लाख में ऑफर किए गए, आज उनकी प्राइसेस देखें तो वो आपको 49 से 50 लाख के इन बिटवीन मिलती है, लेकिन अगर आप यहाँ 5 मरला प्लॉट्स परचेज करते हैं तो आपको 55 लाख या 54 लाख के इन बिटवीन आपको यहाँ प्राइसेस मिलती हैं। व्यूअर्स अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वक्त में यह आपकी इन्वेस्टमेंट में तो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना चाह रहे हैं तो ये ब्लॉक आपकी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसकी जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसको आपको मेन फ्लोर से आप जस्ट 2 मिनट्स की ड्राइव में इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल फूड स्ट्रीट आपको इसके जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में देखने को मिलते हैं। सेंट्रल पार्क का जो बड़ा पार्क है 500 कैनाल का पार्क है, आप इसके वॉकिंग डिस्टेंस में इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। सेंट्रल पार्क की बड़ी मस्जिद है, उसको भी आप जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में इसको अप्रोच कर सकते हैं। यानी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंसिडर करना चाह रहे हैं कोई ब्लॉक 4 मरला या 5 मरला कटिंग, तो आप डबल बी ब्लॉक को कंसिडर कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करेंगे कि अंडर ट्रांजैक्शंस ब्लॉक ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स, ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं जिनमें आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और आने वाले वक्त में आप वहां से एग्जिट लें तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिले। व्यूअर्स इसके वाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये जो ब्लॉक है वो सी और डी ब्लॉक है। सी और डी ब्लॉक जो कि मिनिमम प्राइस में रहते हुए आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निहायत रीजनेबल प्राइसेज हैं। यहाँ सी ब्लॉक की सबसे पहले हम बात करेंगे तो सी ब्लॉक में आपको 3.5 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 नाल तक की कटिंग मिलती है, जबकि डी ब्लॉक में आपको प्रॉपर 10 मरला की कटिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको सी ब्लॉक के वाले से गाइड करना चाहूँगा। सी ब्लॉक में अगर आप 3.5 मरला नॉन पोजेशन प्लॉट्स परचेज करते हैं तो आपको उसकी जो प्राइस मिलती है वो 24 लाख से ऑनवर्ड्स 28 लाख के इन बिटवीन मिलती है, जबकि अगर आप यहाँ पोजेशन वाला प्लॉट्स परचेज करना चाह रहे हैं तो उसकी जो प्राइसेस आपको मिलती हैं वो तकरीबन 31 लाख से ऑनवर्ड्स 34 लाख के इन बिटवीन मिलती हैं। ये पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं 3.5 मरला, जो एंड यूजर या इन्वेस्टर जो होते हैं जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं लोअर बजट में रहते हुए, वो 3.5 मरला में रहते हुए यहाँ प्लॉट्स की परचेजिंग करके आने वाले वक्त में एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। और 3.5 मरला में आपको इन फ्यूचर यहाँ गैस भी मिलने वाली है। जी हाँ व्यूअर्स, गैस की जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली वीडियोज़ में मैंने आपको गाइड किया था कि स्वीट गैस अथॉरिटी से सेंट्रल पार्क का एक माहदा तय हुआ है जिसमें आपको मुकम्मल सेंट्रल पार्क में इन फ्यूचर गैस मिलने वाली है। व्यूअर्स यहाँ अगर आप 5 मरला प्लॉट्स परचेज करते हैं तो उसकी जो आपको नॉन पोजेशन प्लॉट्स अगर आप परचेज करते हैं तो तकरीबन वो आपको 38 लाख से 40 लाख के इन बिटवीन मिलते हैं, लेकिन अगर आप पोजेशन वाले प्लॉट्स की तरफ मूव करते हैं तो आपको उसकी जो प्राइसेस मिलती हैं वो तकरीबन 45 लाख से ऑनवर्ड्स 58 लाख के इन बिटवीन मिलती हैं। व्यूअर्स अगर आप यहाँ प्लॉट्स 5 मरला परचेज करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 मरला प्लॉट्स की बजाय 10 मरला प्लॉट को अगर आप कंसिडर करें तो आने वाले वक्त में आपके लिए वो ज़्यादा आप फ्रूटफुल हो सकते हैं। वो किस तरह से वो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स अगर यहाँ आपको जो 10 मरला प्राइस मिलती है वो तकरीबन 62 लाख से 70 लाख के इन बिटवीन मिलती है। व्यूअर्स जहाँ आप फिशिंग पार्क की लोकेशन में 57 या 58 लाख का प्लॉट परचेज कर रहे हैं सी ब्लॉक में रहते हुए, या अगर आप 5 मरला वहाँ इंस्टॉलमेंट प्लान पे एवन एग्जेक्टिव ब्लॉक में परचेज कर रहे हैं तकरीबन 55 लाख में, तो व्यूअर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपना बजट को थोड़ा सा मैक्सिमम करें और 62 लाख से ऑनवर्ड 70 लाख के इन बिटवीन रहते हुए यहाँ आप प्लॉट परचेज करें तो आने वाले वक्त में आपको ये जो प्लॉट्स हैं आपको ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको यहाँ गैस मिलेगी सी ब्लॉक में भी और यहाँ आपको प्रोपोर्शनल जो चार्जेस पे करने होते हैं, यानी आप यहाँ ट्रिपल स्टोरी तक घर बना सकते हैं। व्यूअर्स और यहाँ हाईरिस भी अलाउ की जा रही हैं, यहाँ कल को हाईरिस कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आ सकती हैं जो आपको सी ब्लॉक को और डी ब्लॉक का जो आपको 80 फीट वाइड रोड पर रहते हुए एक कमर्शियल एरिया मिलता है, कल को ये कमर्शियल हब मिलेगा तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है आपके लिए। व्यूअर्स सी ब्लॉक में
10 मरला जो आपको निहायत रीजनेबल प्राइसेस में ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स, अगर आप इनको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना चाह रहे हैं तो इनको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले वक्त में आपको यहाँ जब गैस या आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने इनिशियल स्टेज में कैसी प्रॉपर्टी परचेज की थी। हमारी जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप सी ब्लॉक में अगर आप परचेजिंग करें, अगर आपका 55 लाख या 50 लाख बजट है, तो आप उनको थोड़ा सा मैक्सिमम करें और कोशिश करें कि आप मैक्सिमम एरिया में रहते हुए, यानी 5 मरला में आपको एक तो एरिया कम मिलता है, 10 मरला में आपको एरिया भी ज़्यादा हो जाता है आपके लिए, और 10 मरला प्लॉट की परचेजिंग करें। आने वाले वक्त में आपके लिए ये प्रॉपर्टी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। जी तो व्यूअर्स, ये था सी ब्लॉक। मैं आपको डी ब्लॉक के वाले से गाइड करना चाहूँगा। डी ब्लॉक में आपको जो प्रॉपर 10 मरला कटिंग मिलती है और 10 मरला प्राइस रेंज के वाले से मैं आपको बताना चाहूंगा, तो यहां आपको दो डायमेंशंस मिलती हैं व्यूअर्स। यहां आपको 30x75 डायमेंशन मिलती है, इसके साथ साथ 35x65 ये जो आपको प्रॉपर डायमेंशन में मिलती है। इसमें आपको दो किस्म की प्राइसेस मिलती हैं। अगर आप 30x75 डायमेंशन में प्लॉट्स परचेज करते हैं तो आप उनकी जो आपको प्राइस मिलती है वो तकरीबन 66 लाख से ऑनवर्ड 68 लाख के इन बिटवीन मिलती है। जबकि यहाँ अगर आप प्रॉपर डायमेंशन यानी 35x65 डायमेंशन में प्लॉट परचेज करते हैं तो उनकी जो प्राइसेस मिलती हैं वो तकरीबन 70 लाख से ऑनवर्ड 75 लाख के इन बिटवीन मिलती हैं। व्यूअर्स, ये सब लोग हैं जो आज की डेट में आपको अंडर ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं, जहां आपको प्राइसेस जो फर्दर है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आती हैं। ये मैंने आपको जनरल कैटेगरीज बताई थी। अगर आप स्टार्टिंग की लोकेशन में लेते हैं तो आपको जो प्राइसेस वो मैक्सिमम मिलती हैं। फिशिंग पार्क की लोकेशन में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसकी भी प्राइसेस जो आपको मैक्सिमम मिलती हैं, यानी 35x65 की डायमेंशन में आपको जो स्टार्टिंग प्राइस मिलती है वो तकरीबन 70 से स्टार्ट होती है, ऑनवर्ड्स 90 लाख तक भी आपको यह प्राइस मिलती है। लोकेशन पर डिपेंड है, लोकेशन जितनी बेस्ट होगी आपकी प्राइस भी उतनी मैक्सिमम होगी। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं आपको लो बजट में इन्वेस्टमेंट कंसीडर करवाना चाह रहा हूं, तो मैंने आपको गाइड किया कि आप 70 या 75 लाख के इन बिटवीन रहते हुए यहां इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको अपनी प्रॉपर्टी से मैक्सिमम फायदा हो सके। व्यूअर्स, सेंट्रल पार्क में आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एक अच्छा आपको लाइफस्टाइल मिलता है, इसको आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको यहाँ मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिलकर आज के डेट में ही आपको यहाँ गोपी बेकर्स मिलते हैं, फास्ट कैश एंड कैरी मिलती है, यहाँ आपको सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल मिलता है, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज मिलता है, मैक्सिमम ग्रोसरी ब्रांड्स मिलते हैं, रेस्टोरेंट आपको प्रॉपर यहाँ मिलते हैं, सेंट्रल फूड स्ट्रीट आपको यहाँ प्रॉपर मिलती है, 500 केनाल का पार्क। व्यूअर्स, किसी भी सोसाइटी में, ना बैरियर टाउन ना DHA में, आपको इतना बड़ा पार्क 500 केनाल का पार्क आपको किसी सोसाइटी में नहीं मिलता लाहौर में रहते हुए, जो आपको सेंट्रल पार्क दे रही है। 500 केनाल का पार्क है, ऑपरेशनल पार्क है, जहाँ आपको फैमिली जो इन्जॉय करते हुए नजर आते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या नॉन पोजेशन प्लॉट्स में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेंट्रल पार्क को कंसिडर करें और आने वाले वक्त में आप अपनी प्रॉपर्टी से अपने फंड जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। व्यूअर्स, सेंट्रल पार्क में अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं या अपना प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं या अपने ही प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdbrealestate.com। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी वीडियोस, ऐसे ही मजीद इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी एरिया में, लाहौर के किसी भी एरिया में प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, वो बैरिया टाउन या बैरिया ऑर्चर्ड में हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँच रहे आप तक। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।